लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जहां समाजवादी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं भाजपा को उत्तर प्रदेश में मायूसी हाथ लगी है। समाजवादी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती, तो वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई हैं। सपा की सहयोगी दल कांग्रेस ने 6 सीटों पर बाजी मारी और अन्य को 4 सीटों पर कामयाबी मिली। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली सफलता के बाद जहां उन्हें देश भर के कई नेताओं ने बधाई दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने भी अखिलेश यादव को एक लेटर लिखा है। कन्नौज के मंत्री ने इस लेटर में लोकतंत्र की खूबसूरती की बात की। अभी के समय में अखिलेश यादव को लिखा ये लेटर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जीत पर भाजपा के मंत्री और कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई देते हुए साथ मिलकर कन्नौज का विकास करने की बात कही। उनके इस लेटर में अलग अलग पार्टी के एक ही जगह से साथ में काम करने की बात कही गई और इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताई है। उन्होंने लिखा कि मैं कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। कन्नौज नगर की रोचक स्थिति है कि नगर पालिका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से है, मैं बीजेपी से विधायक हूँ और आप समाजवादी पार्टी से हैं और सांसद चुने गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। उन्होंने लेटर में लिखा कि मैं कामना करता हूं कि हम सब मिलकर कन्नौज के विकास को और गति देने में सफल होंगे। असीम अरुण का यह लेटर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 4 जून को 542 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव के आए रिजल्ट में अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से जीत हासिल की। अखिलेश यादव को कुल 6,42,292 वोट मिले। उन्होंने इस चुनावी रेस में बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से मात दी है। असीम अरुण पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा कन्नौज सदर से और जीता। योगी कैबिनेट में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण में वो मंत्री हैं।